पावर प्ले का। मैं बताना चाहूंगा सबको, यहां पे बैटिंग पावर प्ले आया है, कंटिन्यू दो ओवर बैटिंग पावर प्ले चलेगा, ये ओवर और इसकी बात की ओवर, दोनों ओवर बैटिंग पावर प्ले चलेगा। और सामना करने के लिए है रवि शिंदे और नॉन स्ट्राइक एंड पे है मिलिंद। बढ़िया माहौल यहां पे मुंबई में, रोमांचक माहौल फाइनल डे पे। हल्की हल्की धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है, शायद बॉम्बे में गर्मी भी बहुत हो जाती है एक बजे के बाद, लेकिन अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है और हल्की हल्की नमी है हवा में और बहुत ही शानदार बेहतरीन मौसम चल रहा है। हमें आए हैं अपना बॉलिंग के लिए, हमें जो कि दो बार मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे नांदेड़ में जो मैच हुआ था, उनको दो बार मैन ऑफ द मैच करार दिया गया था और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं और कैप्टन भी है हमें, कैप्टन हमें बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं, दो बार मैन ऑफ द मैच करार दिया गया था। विदिश में एक इसकी खासियत बताना चाहूंगा, पूरी टीम जो रहती है वो ब्लू कैप में रहती है, पर अमय जो है वो रेड कैप पहन के लाल कर देते हैं पूरा ग्राउंड अपने छक्के चौके लगा के जब बल्लेबाजी करते हैं अमय। पर अभी गेंदबाजी करेंगे अमय, सामना करेंगे रवि। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, दो बार मैन ऑफ द मैच का इनको टाइटल दिया गया था पिछले नांदेड़ के मैच में, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन दिया था उन्होंने। फुल टॉस गेंद कन्वर्ट नहीं कर पाए, डायरेक्ट थ्रो, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रवि को। बहुत ही अच्छी थ्रो थी, शायद अगर निशाना लग जाता तो रन आउट हो जाते सिंधे, लेकिन बच गए। फील्डिंग काफी टाइट यहां पे रत्नागिरी राइनोस की, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट और हमें अपने हिसाब से फील्डिंग लगाते हुए। ओ, हवा में और दो दो फील्डर मौजूद और ये कैच आउट। डेंजर मैन मिलिंद, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा फॉर्म था ये लीग में, कैच आउट हो गए पहले ही बॉल पे, आप देख सकते हैं मिस टाइम हो गए थे। ओ बढ़िया यूनिटी रत्नागिरी राइनोस, आप मैंने पहले भी बताया था। बहुत ही जबरदस्त यूनिटी है वो टीम में रत्नागिरी राइनोस में, हल्के फुलके बंदे हैं, शायद किसी ने वेट भी इतना मेंटेन किया है कि 50-55 केजी से ज्यादा नहीं है किसी का वेट, हाइट में भी छोटे छोटे हैं, पर लाजवाब फील्डिंग करते हैं, लाजवाब बॉलिंग और लाजवाब भी बैटिंग है। पांच ओवर दो बॉल के बाद स्कोर हुआ है 52, दो विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर दो बॉल 52 रन दो विकेट। अभी अभी आशीष ने बढ़िया कैच पकड़ा, उसके बारे में कोई कुछ टिप्पणी ये बॉल के बाद? ओ बढ़िया बॉल थी और थोड़ी सी विकेट के पीछे मिसफील्डिंग हुई और दौड़कर एक रन ले लिया गया। अंपायर का इशारा लेग बाय का, पांच ओवर तीन बॉल हुए हैं, स्कोर हुआ है 53 दो विकेट के नुकसान पे और नए बल्लेबाज आए हैं घनश्याम। घनश्याम जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छे बॉलिंग भी करते हैं और इन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया था पिछले नांदेड़ के मैचों में,
बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, और ये इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन मैच में होता ही है, एक कम से कम अपना मतलब है कि एक सपोर्ट दे के ही जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस के प्लेयर हैं घनश्याम। साथ में बेदी जी मैं रत्नागिरी की भी तारीफ करना चाहूंगा, जब बैटिंग पावर प्ले सुनते ही उन्होंने अमय उनके भरोसेमंद बॉलर को निकाला और उसने अपना काम किया है। तीन बॉल में उसने सिर्फ दो ही रन दिए, एक विकेट भी चटकाई, बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे अमय की। बट अभी डेंजर मैन घनश्याम आए हैं, अभी देखते हैं सिल्वर रन्स के लिए घनश्याम क्या करते हैं। अमय जो है बैटिंग के टाइम लाल टोपी पहन के ही बैटिंग करते हैं और बॉलिंग के टाइम निकाल के अपनी टोपी एम्पायर को दे देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। सेकेंड लास्ट बॉल, चार बॉल हुए हैं, ये बैटिंग पावर प्ले चालू है। और एक डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया ओवर जाते हुई रत्नागिरी राइनोस के लिए। अभी तक सिर्फ दो रन गए हैं और एक विकेट चटकाई है। बहुत ही अच्छी लेंथ बॉलिंग गिरती है इनकी, एक्यूरेसी है बॉलिंग में, बढ़िया बॉलिंग करते हैं हमें। और एक डॉट बॉल, स्पेक्टेटर बहुत ही जोश में सपोर्ट करते हुए। छह ओवर के बाद स्कोर हुआ है 53 दो विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी ओवर डाली अमय ने, सिर्फ दो रन लिए, दो रन देके एक विकेट चटकाई, बढ़िया बॉलिंग अमय की। विनम्र आए हैं, अपनी अगली गेंद फेंकेंगे और स्ट्राइक में हैं फिर से एक बार रवि शिंदे, विनम्र जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते हैं बॉलिंग का। विनम्र शिंदे बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ रोक लिया गया, चौका, शानदार फील्डिंग, दो दो फील्डर दौड़ते हुए, और बहुत ही अगर ये कभी चटकाते नहीं, छोड़ते नहीं कैच, दो दो फील्डर मौजूद थे, गेंद काफी दूर में थी और बच गए। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त विकेट फील्डिंग, विकेट के पीछे उदय टोडनकर की। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा कमेंटेटर बॉक्स में डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज जरा शांति मेंटेन करिए, थोड़ा धीरे बोलिए। ये हवा में और दो दो फील्डर मौजूद और ये कैच पकड़ा, कोई कैच छोड़ते नहीं कभी। देखिए वो मोनोरेल भी सलामी दे रही है, इतना बढ़िया कैच पकड़ा है। इंपॉर्टेंट विकेट सेवा रॉयल्स का, रवि शिंदे का जा चुका है, सेवा रॉयल्स के रवि शिंदे जिन्होंने 17 बॉल में 21 रन बनाए, उसमें दो छक्के लगाए थे। ये प्रेशर आता हुआ क्योंकि रन्स नहीं बढ़ रहे थे तो प्रेशर तो आना था बैट्समैन पे। ये बैटिंग पावर प्ले है जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया, मैं बताना चाहूंगा। दूसरी ओवर चल रही है बैटिंग पावर प्ले की, तीन बॉल हो चुके हैं, छह ओवर तीन बॉल 55 रन्स, तीन विकेट के नुकसान पे। हेलो हेलो,
माइक शायद बंद हो गया, देखो अरे माइक तो ऑन कर, माइक बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। 6 और 3 बॉल के बाद स्कोर हुआ है 53 55, 3 विकेट के नुकसान पे। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया कैच विकेट कीपिंग के पीछे उदय टोडनकर, बहुत ही बढ़िया शानदार कैच झपकाया, बहुत ही डिफिकल्ट कैच था लेकिन पकड़ लिया। कैच कभी नहीं छोड़ते रत्नागिरी रॉयनर्स, मानना पड़ेगा भाई। एक जोरदार तालियां स्पेक्टेटर, बहुत रिप्ले देख सकते हो स्क्रीन पे, रिप्ले आ रहा है, बढ़िया कैच वहां पे स्क्रीन पे रिप्ले, बढ़िया कैच। ये होता है टीम स्पिरिट, ये होता है टीम कोऑर्डिनेशन, ये होती है टीम रत्नागिरी राइडर्स। मैं एक बार फिर से स्पेक्टेटर की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, अच्छा मौसम है, अच्छा क्राउड है। बढ़िया कैच यहाँ पे लिया उदय ने, हेलो हेलो, बढ़िया कैच यहाँ पे लिया उदय ने। नए बैट्समैन कप्तान सुजय, हैट्रिक चांस है, हैट्रिक चांस। चार बॉल हो चुके हैं, लास्ट के 2 बॉल बाकी, हैट्रिक चांस है। क्लीन बोल्ड, बहुत ही शानदार हैट्रिक किया है विनम्र ने, बढ़िया बढ़िया बॉलिंग। बहुत कम कर, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो, ये बोल्ड के साथ, हेलो 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 हेलो, चेक चेक, हेलो डीजे डीजे, हेलो 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 हेलो, ये बोल्ड के साथ हैट्रिक ली है विनम्र ने, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो डीजे, हेलो हेलो।
बहुत ही बढ़िया। सात ओवर के बाद स्कोर हुआ है 56, पांच विकेट के नुकसान पे। सात ओवर 56 रन्स, पांच विकेट के नुकसान पे। और लास्ट ओवर जो डाली थी विनम्र ने जिसने सिर्फ तीन रन दिए और तीन विकेट चटकाए, हैट्रिक लिए तीन विकेट चटकाते हुए, उसमें दो कैच आउट और एक क्लीन बोल्ड। रन रेट फिर से एक बार ड्रॉप हो गया, काफी 7-8 का रन रेट हो गया है। बीच में बहुत ही, जब आदित्य बाफना ने छक्के लगाए थे तो काफी रन रेट अच्छा मजबूत हो गया था, फिर से दो तीन विकेट गिरने से रन रेट नीचे आ गया है। उस टाइम 9 का चला गया था, अभी 7 का चल रहा है। सेवन ओवर्स 56 रन एट द लॉस ऑफ 5 विकेट, 56 रन 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। 8 की एवरेज बरकरार है अभी तक। हेलो हेलो, स्कोर हुआ है 7 ओवर के बाद 56, पांच विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर 56 रन्स, पांच विकेट के नुकसान पे। 8वीं ओवर लेके आए हैं नए बॉलर हैं अमय। अमय जिन्होंने अभी पीछे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, रन को एकदम कंट्रोल किया था उन्होंने, रन लेने ही नहीं दिया। फिर से एक बार दूसरा ओवर करने आए हैं अमय। स्ट्राइक में है विशाल, नॉन स्ट्राइक एंड पे है अमोल। नो बॉल, नो बॉल का अंपायर का इशारा और चौका। ओके, मैं एक छोटी सी अपील करूंगा, ये म्यूजिक सिस्टम में आप म्यूजिक का वॉल्यूम कम रखिए, कमेंट्री का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। पुलिस ने जो ऑब्जेक्शन लिया था ये म्यूजिक के ऊपर लिया था। अंपायर का फ्री हिट का इशारा, विशाल सामना करेंगे फ्री हिट के लिए। अमय अपनी अगली गेंद फेंकेंगे विशाल को और नॉन स्ट्राइक एंड पे है अमोल। पिछला ओवर बहुत ही शानदार, अमय ने बहुत ही इकोनॉमिकली डाला था, कोई रन नहीं दिया उन्होंने दो या तीन रन के सिवाय। और ये शॉट सिक्सर हो सकता है, सिक्सर। बढ़िया ओवर जाती हुई रॉयल्स के लिए, अभी तक 11 रन आ चुके हैं ये ओवर में। एक ही बॉल हुआ है, फ्री हिट का अच्छा कन्वर्ट किया है विशाल ने, विशाल शॉट मारा है, बढ़िया बड़ा शॉट विशाल के बल्ले से निकलता हुआ। अरे हटकर साहब बहुत जोश में आ गए हैं, जंग लग गया था उनकी जबान को, अभी बहुत ही अच्छी फटफटी चढ़ा दी उन्होंने। और ये बढ़िया शॉट, और ये डीप कवर पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं लिया गया, एक रन ले लिया दौड़कर। दो बॉल अभी तक अमय के हुए हैं, स्ट्राइक में अमोल आया है और नॉन स्ट्राइक में विशाल। अमय अगली गेंद फेंकेंगे, क्या ले?
अच्छा बॉल था, चूक गए फिर से, बहुत ही अच्छा थ्रो, रन आउट हो सके थे और वाइड का इशारा अंपायर का। ये रन आउट का चांस था, डायरेक्ट हिट अगर मारते थे हमें लग जाती थी तो रन आउट हो सकते थे। बहुत ही अच्छी, जैसे बेदी जी बोलते हैं, चिक्की रन निकाली यहाँ पे अच्छी अमोल ने। फुल टॉस बॉल, कलेक्ट नहीं कर पाया हमें यहां पे, जरूर रन आउट का चांस था, कलेक्ट नहीं हो पाया। मैं गोपन साहब का बहुत ही वेलकम करूंगा, अपनी मदर के साथ आए हैं गोपन साहब इस उम्र में, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, अपनी मदर को भी लेके आए, वहां जरा ख्याल रखिए, मेरी वाइफ भी बैठी है। बेदी सर ने पर्सनल मैसेज भी दे दिया ख्याल रखने का, क्या करें हम सबका ख्याल रखते हैं। और ये बढ़िया शॉट थी, कमेंटेटर बॉक्स के कदम चूमते हुए, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे, एक ही रन मिला है, पता नहीं रॉयल्स वाले इतने खुश हुए ये एक रन के लिए। बॉल अभी तक हुए है 5, लास्ट बॉल बाकी। अमोल स्ट्राइक पे और ये चूक गए, और अच्छी विकेट कीपिंग, जोरदार अपील, आउट का इशारा यहाँ पे, बढ़िया आउट का इशारा उदय की, बहुत ही बढ़िया पीछे विकेट कीपिंग। और इसी के साथ 6वां विकेट गिरा सेवा रॉयल्स का, और रन रेट काफी कम है अभी अभी अभी, जस्ट वी आर टेलिंग यू, 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 73 6 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 73 6 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर 73 रन एट द लॉस ऑफ 6 विकेट। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अपना रन रेट को कंट्रोल किया है, रत्नागिरी राइनोस ने अपनी लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन देते हुए, कोई कैच उन्होंने आज छोड़ा नहीं, और बल्लेबाजों को हमेशा उन्होंने टाइट रखा, और बॉलर्स ने भी कमाल किया, उन्होंने बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से बॉलिंग की। मेरा ख्याल से अगर आप देखेंगे 53 पे उनके 2 विकेट थे और आज 6 विकेट हो गए हैं 73 में, यानी कि 20 रन में एक नए बॉलर आए हैं रवि, मैं जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है सबको बताना चाहूंगा, बॉलिंग पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले खत्म हो चुका है, स्ट्राइक पे है विशाल। छोटी सी अनाउंसमेंट है, सोडा पब का बंदोबस्त किया गया है, एक स्टॉल लगा है कमेंटेटर बॉक्स की राइट हैंड तरफ, जिस किसी को तमन्ना है पीने की प्लीज चले जाएं सोडा पब में। वाइट का इशारा यहां पे, फिर से आप देख सकते हैं मोनोरेल का नजारा, बहुत ही शानदार एम्बियंस है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शानदार, सब बिल्डिंगों के बीचों बीच ये ग्राउंड है, और बड़ी लूज बॉल थी ये, और दौड़कर शायद एक रन ले लिया गया है। सोडा पब लगाया गया है एक स्टॉल यहाँ, थोड़ी सी गर्मी है, धूप है, अगर किसी को तमन्ना है पीने का मूड है तो सोडा पब के स्टॉल में जाके प्लीज अपना टेस्ट पूरा कीजिए। बेदी सर ये चिकी रन निकाला अभिजीत ने, नए बल्लेबाज जो है अभिजीत, स्ट्राइक दिया अभिषेक,
हटकर मैं तारीफ करूंगा, अगर मैं बोलना भूल जाऊं चिक्की रन तो आप उसे पूरा कर देते हैं, ये होती है आपस की बहुत अच्छी तालमेल। और ये बढ़िया स्ट्रोक इन बिटवीन, डीप चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ घुमा दिया और शानदार चौका। जहां पे चौका गया वहां पे आप देखोगे वहां पे बलून्स लगाए हुए, ऐसा लग रहा था जहां जैसे कि वो बॉल वो बलून से टकराएगा और एक आधा बलून गिर जाएगा। बढ़िया डेकोरेशन यहां पे किया हुआ है, सारे जगह बलून्स कलरफुल, बहुत अच्छा माहौल। विशाल तीन नंबर है ना, 8 ओवर 4 बॉल के बाद स्कोर हुआ है 81, 4 बॉल हुए, लास्ट के 2 बॉल बाकी रविंद्र के। तो मैं बता रहा था 53 पे 2 विकेट थे और अभी 81 पे 30 में 4 विकेट चले गए। थोड़ी सी मिसफील्ड और रन चुरा लिया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वापस मिसफील्ड, थोड़ी सी मिसफील्ड और एक रन दौड़कर, बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स, यहां पे 3 रन निकाल लिए भाग के। लास्ट बॉल ये ओवर का रविंद्र का, और ये बढ़िया शॉट है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, शानदार चौका। म्यूजिक थोड़ा सा पुलिस का ऑब्जेक्शन था, आप 30 सेकंड बजाइए, उसे ज्यादा मत बजाइए। नौ ओवर के बाद स्कोर हुआ है 88, 6 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर्स के बाद गेम हुआ है 88, 6 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने मिल रही है और कुछ टिप्पणी देने आए हैं अपने प्लेयर्स को। लास्ट ओवर का खेल बाकी है, ये इनिंग का लास्ट ओवर बाकी है, 10 ओवर की मैच खेल रहे हैं हम लोग। विकेट खोकर 9 ओवर की समाप्ति, 9 ओवर्स 88 रन एट द लॉस ऑफ 6 विकेट, 88 रन्स एट द लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। आखिरी ओवर इस इनिंग का 9 ओवर की समाप्ति पर 88 रन बनाए हैं। करीबन 9-10 की एवरेज चल रही है, अच्छी है, लेकिन उतनी रत्नागिरी रॉयल्स के लिए ये मजबूत टीम है। बहुत ही अच्छी थ्रो और ये रन आउट एम्पायर ने दे दिया है और एक विकेट गिरा, 7वां विकेट सेवर रॉयल्स का, 7वां विकेट। ये आखिरी ओवर चल रहा है रत्नागिरी रॉयल्स का, लास्ट ओवर। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया गेम, बढ़िया वहां पे रन आउट किया है उदय ने। उदय बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हुए वहां पे नए बल्लेबाज आए हैं। हटकर जी बहुत ही सब कुछ बढ़िया है। मेदी जी मैं बताना चाहूंगा जो अभी आउट हुए वो अच्छे सेट बैट्समैन थे, 9 बॉल में उन्होंने 21 रन बनाए थे जिसमें 2 चौके और 1 छक्का मारा था विशाल ने।
सेट बैट्समैन को आउट कर दिया है। लास्ट पांच बॉल बाकी ये इनिंग के। जयराज की बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी और ये अच्छी फील्डिंग, एक ही रन लेने दिया और दौड़कर एक रन लिया। वेरी गुड बॉलिंग बाय जयराज और काफी फील्डिंग टाइट रखी है, कोई भी लूज रन देते नहीं, अच्छी फील्डिंग है, अच्छा थ्रो है, आपस में एक जबरदस्त तालमेल अच्छा है। ये दो दो तीन तीन फील्डर मौजूद और एक रन लेने में कामयाब। ये एक रन के साथ स्कोर हुआ है 90, 90। तीन बॉल हुए हैं, लास्ट के तीन बॉल बाद। ये हवा में कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आ, छक्का और ये लगा सिक्सर और ये सिक्स के साथ वी वेलकम द चेयर गर्ल्स आल्सो ऑफ रत्नागिरी राइनोस। यू कैन सी एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ये सिक्स के साथ वेलकम किया गया है रत्नागिरी राइनोस के चेयर गर्ल्स। दर्शक बहुत ही जोश में नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए और मस्ती में खोए हुए। और ये बढ़िया शॉट थी, फिर से एक बार डीप मिड विकेट की तरफ घुमाया, चौका चौका, बढ़िया बाउंड्री। वाह वाह, क्या डांस है, क्या प्रदर्शन है स्पेक्टेटर का, बहुत ही बढ़िया डांस, जोशीले स्पेक्टेटर, ये काफी मोटिवेशन देते हुए। बेदी सर, ये चौके के साथ रॉयल्स की 100 पूरी, एक सेंचुरी, 100 रन्स रॉयल्स के 100। भाई तालियां के हकदार हैं सेवा रॉयल्स। लास्ट बॉल बाकी, ये इनिंग का लास्ट बॉल, लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग। ओ फिर से दौड़कर एक रन और ये दूसरा रन भी चुरा लिया और ये शायद वापस आ गए। दो रन कंप्लीट हासिल कर लिए। 10 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 102, 103 का लक्ष्य दिया है रत्नागिरी राइनोस को। 102 रन हुए हैं 7 विकेट के नुकसान पे। क्या बात है, शफीक साहब अपने टीम के साथ में कुछ अच्छा गुप्तगु और मजाक करते हुए। अरे शफीक साहब की तारीफ हो रही है। बालू साहब का स्वागत है, संजीव सर बालू जी जो बहुत ही पैशनेट प्लेयर हैं क्रिकेट के, वो अपनी उन्होंने जवानी में काफी क्रिकेट के मैचेस खेले हैं और अच्छी उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, मैच में आ चुके हैं और बालू साहब और संजीव बाफना दोनों उतरे हैं मैदान में, साथ में सपोर्ट में गोंडिया साहब भी हैं। ये पल बार बार नहीं आता कैमरामैन और यूट्यूब वाले, ये प्लीज कवर करना। बालू सर बैटिंग करेंगे, संजीव सर बॉलिंग करेंगे। ओ अच्छा शॉट लगाया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। संजीव बाफना जी एक्सरसाइज करते हुए और जरा अपना तैयार होते हुए मैच के लिए, अच्छी प्रैक्टिस का कर रहे हैं बालू जी। बहुत ही एक पैशनेट प्लेयर हैं अपने जमाने के, उन्होंने काफी क्रिकेट को महत्व दिया और इसीलिए आज ये बीपीएल शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ाया अर्जुन बाफना ने इसे।
आई रिक्वेस्ट मुंबई वॉरियर्स के कैप्टन और बाफना रेडर्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए. आई रिक्वेस्ट राहुल शाह सर टू प्लीज कम फॉर द टॉस. टॉस ग्राउंड पे आइए सर. टॉस करने के लिए राहुल शाह सर वी वेलकम यू. राहुल शाह जी का खड़े होकर हम सब स्वागत करते हैं. कोई भी मैच में आए नहीं, आज पहला मैच आए हैं राहुल शाह साहब. क्या बात है राहुल जी, आइए आइए. बहुत ही आज तो चमक रहे हैं ग्रीन में. ये अंदाज है अपना राहुल शाह का अपना, बहुत ही बढ़िया. हाँ बहुत ही अच्छा स्माइलिंग. सर जी यहाँ सामने आ जाइए कमेंटेटर बॉक्स के सामने, जरा हम भी तो देखें. और ये कॉइन फ्लिक करेंगे हमारे सीएफओ राहुल शाह. और ये फ्लिक किया उन्होंने और अभी देखना ये है जीता और क्या फैसला किया बॉलिंग का. बाफना वॉरियर्स ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला लिया. फील्ड पहले करेंगे बाफना वॉरियर्स टॉस जीत के. थैंक यू राहुल शाह सर. राहुल सर थैंक यू. थैंक यू राहुल शाह सर. चलो एक अच्छा बहुत साइन है. हमारे बाफना वॉरियर्स के कैप्टन ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया. थैंक यू सर. बालू सर संजीव सर आपका खेल दिखाने के लिए बहुत दिनों के बाद हमें दोनों भाई दोनों सर खेलते हुए दिखे. थैंक यू बाफना सर. थैंक यू संजीव सर बढ़िया खेल दिखाने के लिए. बहुत दिनों के बाद दोनों भाई एक साथ खेलते हुए दिखे. दोनों शायद पुराने दिन जरूर याद आए रहेंगे. मैं फिर से एक बार बता दूं संजीव बाफना जी और बालू बाफना जी बहुत ही पैशनेट प्लेयर हैं. ये उनका पैशन रहा है क्रिकेट का, शायद इसीलिए आज हम यहाँ बीपीएल को आगे बढ़ा रहे हैं और इसे बहुत ही ज्यादा आगे फिर बीपीएल के फैशन में ले गए अर्जुन बाफना साहब, जिन्होंने इसे एक मोटिवेशनल बूस्ट दिया है पूरी बाफना ग्रुप ऑफ कंपनीज को. एक इकट्ठे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चीयर्स गर्ल का यहाँ कमेंटेटर बॉक्स की तरफ से. देर आए दुरुस्त आए. रत्नागिरी राइनोस अपनी ओपनिंग जोड़ी भेज दे. आ गए हैं रत्नागिरी राइनोस की ओपनिंग जोड़ी. चीयर्स गर्ल का मैं एक बार स्वागत करूंगा कमेंटेटर बॉक्स की तरफ से. बहुत ही तालियों के साथ दर्शक इनका स्वागत करें और कभी कभी आपके लिए शेर भी बोला जाएगा. ये बेदी जी का अंदाज मुझे अच्छा लगता है. बेदी जी अपने कमेंट्री में बोलते रहते हैं कि मैं अभी तक मैं जवान हूं, पर बेदी जी मैं याद दिलाना चाहूंगा भाभी जी भी आई हुई है. इसमें क्या शक है कि मैं जवान नहीं हूं भाई. अगर कंफर्म करना है तो आप अपनी भाभी जी से पूछ लीजिए. मैच थोड़ी देर में चालू होगा सेकेंड इनिंग. जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है उन्हें बताना चाहूंगा टॉस जीता था रत्नागिरी राइनोज ने, फील्डिंग ली थी. सेवा रॉयल्स ने स्कोर बनाया 102-103 जीतने के लिए लक्ष्य दिया है. और पहली बॉल लेके आ रहे हैं पवन. मिसेस बालू बाफना जी अपना भाभी जी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ. भाभी जी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में. बहुत ही हम आपका इंतजार कर रहे थे. वेलकम. एक रन निकाल लिया है रविंद्र ने और स्ट्राइक पे अभी आया है अमय.
बहुत ही अच्छा बॉलिंग थी पवन की। मैंने जैसा आपको बताया था, हमें जब भी बैटिंग करते हैं लाल टोपी शायद उनको बहुत ही लकी है, लाल टोपी में उन्होंने काफी अच्छे रन लिए थे, 50-50 का स्कोर बनाया था। बढ़िया वहां पे ट्राई किया था आदित्य जी ने, जो शम्स के पीछे खड़े हैं विकेट कीपर। बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया गैप और ये चौका, शानदार चौका लगाया पहला रत्नागिरी राइनोस ने, बहुत ही अच्छा चौका। पवन की बॉलिंग पर पवन अगला गेंद फेंकेंगे, रविंद्र अमय को रविंद्र जो नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं, अमय जो लाल टोपी वाले हैं, पवन अमय सेकंड लास्ट बॉल और ये बहुत ही अच्छा, ओ बढ़िया कैच वहां पर, डेंजर मैन हमें हमें डिपार्ट, बढ़िया कैच वहां पे केदू का। हमें का बड़ी विकेट मिली है यहां पर सेवा रॉयल्स को, जो और मैं बता दूं आपको, ये हमें काफी डेंजरस बैट्समैन है, अगर टिक जाएं तो 40-50 रन कहीं नहीं जाते इनके। इन्होंने बहुत ही कीमती विकेट खो दिया रत्नागिरी रॉयल्स ने, और ये सेवा रॉयल्स के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ कि हमें को पहले ही आउट कर दिया उन्होंने। अनिकित आए हैं स्ट्राइक पे, पवन है बॉलिंग करते हुए, अनिकित को बैट 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 बैट, विकेट का सेलिब्रेशन था या जीतने का, थोड़े रुकते जाइए भाई, आज बहुत जोश में हैं, बहुत उमंग हैं, स्पेक्टेटर्स को बहुत मस्ती में झूम रहे हैं। सब बढ़िया अरेंजमेंट यहां पे, द्रोण भी है जो कवर कर रहा है पूरा लाइव फुटेज। बढ़िया स्ट्रोक यहां पे और ये लगा सिक्सर, बहुत ही बढ़िया शानदार सिक्सर। Yes, we are always captured. भाई ये अच्छा रहेगा शायद, वो चीयर्स गर्ल के लिए हमारी भी फोटो आती। बहुत ही कीमती विकेट लिया इन्होंने अमेरिका, बहुत ही कीमती विकेट था और काफी नुकसान हुआ शायद रत्नागिरी राइनोस को एक विकेट खोके अमय का, जो कि बहुत ही लाजवाब बैट्समैन है। अगली गेंद पवन की और ये बढ़िया शॉट थी, अटेम्प्ट किया लेकिन पीछे सूजे मजबूत, उन्होंने बहुत ही शानदार फील्डिंग की और एक ही रन लेने दिया, एक रन से संतुष्ट रत्नागिरी राइनोस। रविंद्र ने एक रन दौड़ कर लिया और अभी अनिकित आए हैं स्ट्राइक में और ये अच्छा शॉट, गैप में कोई मौका नहीं दिया फील्डर को, विकेट की तरफ शानदार चौका, बढ़िया फोर अनिकित के बल्ले से निकलता हुआ। जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया वो उन्हें बताना चाहूंगा, टारगेट दिया है 103 रन का, एक ओवर दो बॉल हुए हैं और स्कोर हुआ है 16 रन एक विकेट के नुकसान पे, दो बॉल हुए अभी तक और बॉलर है रवि शिंदे। बढ़िया स्ट्रोक, चौका ऑफ साइड हुए तरफ, बढ़िया बैटिंग यहां पे अनिकेत की, अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका,
रवि शिंदे को। ये दूसरी ओवर चालू है, ये फोर के साथ स्कोर हुआ है 20 रन एक विकेट के नुकसान पे। 20 रन एक विकेट खोकर बढ़िया स्ट्रोक गैप में चौका, अच्छी ट्राई किया था वहां पे विशाल ने पर पकड़ नहीं पाए। डीप कवर पॉइंट की तरफ, क्या बात है भाई, म्यूजिक एकदम ही शान हो गया। चल चल ठीक है ठीक है। और ये फिर से वापस एक अच्छा स्ट्रोक पे डीप कवर पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका लगाया, एम्पायर का इशारा शानदार चौके का। दो ओवर के बाद स्कोर हुआ है 28 एक विकेट के नुकसान पे, दो ओवर 28 रन्स वन विकेट। लास्ट ओवर में 17 रन गए हैं, चार चौके मारे हैं। ये जो आवाज आ रहा है ये जब द्रोण जाता है ऑडियंस के पास तब ये ऑडियंस चीयर करते हैं। दो ओवर हो चुके, ये तीसरी ओवर है, ये भी पार प्ले है, नया खेल है। केदू आए हैं तीसरी ओवर लेके और ये भी पार प्ले की ओवर है और केदू है नए बॉलर और सामना करेंगे रविंद्र। केदू जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया है, उन्होंने पिछला प्रदर्शन बहुत अच्छा दिया था और ये अच्छी फील्डिंग और ये अच्छा थ्रो और शायद एक रन ले लिया है चुराकर। अनिकेत जो है अभी स्ट्राइक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग और नॉन स्ट्राइक एंड में है रविंदर। अगली गेंद केदू की और ये बढ़िया शॉट थी डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद और शायद एक रन ले लिया दौड़कर। और डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग केदू की। ये पावर प्ले चालू है तीसरा ओवर पावर प्ले का, अभी तक सिर्फ दो रन दिए हैं तीन बॉल में। और एक डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग केदू की, चार बॉल हुए हैं, दो ही रन दिए हैं, लास्ट के दो बॉल बाकी। स्ट्राइक पे है रविंद्र। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पे विशाल की, कवर पॉइंट की तरफ उन्होंने अच्छी फील्डिंग की और तीन रन बचाए सर, तरफ रोका उन्होंने, एक ही रन दिया है नहीं तो ये फोर था। तीन रन बचाए जरूर अपने टीम के लिए विशाल ने, बढ़िया 100% फोर था, काफी तेजी से आई थी बॉल, लेकिन लास्ट बॉल है ये पावर प्ले का और तीसरे ओवर का लास्ट बॉल। अनिकेत सामना करे और ये कैच, जो अच्छे फॉर्म में थे उसकी विकेट चटका ली है रॉयल्स ने। बढ़िया फॉर्म में थे अनिकेत, जिन्होंने 8 बॉल में 23 रन बनाए थे, 4 चौके मारे थे और 1 सिक्स। अनिकेत डेंजर मैन डिपार्ट्स। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 31 दो विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर 31 रन दो विकेट के नुकसान पे। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत अच्छा व्यू है, टॉप व्यू से स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ग्राउंड का नजारा,
बॉलिंग पावर प्ले आया है, अंपायर का इशारा बॉलिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले एक ओवर का होता है सिर्फ, सिंगल ओवर का, बैटिंग पावर प्ले दो ओवर का होता है, बॉलिंग पावर प्ले आया है, देखते हैं कौन बॉलर आ रहे हैं, हरीश, हरीश डालेंगे बॉलिंग पावर प्ले, हरीश की पहली गेंद, वाइड का इशारा यहां पे अंपायर का, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे आदित्य सर की, तो बढ़िया शॉट थी और सूजे मौजूद, सूजे एक अपना दीवार है अपनी टीम के लिए, कभी कोई छोड़ते नहीं, और अच्छी इन्होंने प्रो का आदित्य बाफना जी ने अच्छी फील्डिंग की, उधर पकड़ लिया बॉल जो सूजे ने फेंका था, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं आदित्य बाफना, और ये फिर से एक बार अच्छी विकेट कीपिंग की मिसाल, हरीश अगली गेंद, और ये काफी वाइड का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर का, थ्रो बाउंसर हो गया, ये ओवर में दो वाइड डाले हैं हरीश ने, अभी तक हरीश के दो बॉल हुए हैं, ये बॉलिंग पावर प्ले चालू है, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कोशिश की उन्होंने, लेकिन चूक गए बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी बॉलिंग खेल रही है हरीश की, और ये अच्छी विकेट कीपिंग फिर से एक बार, बढ़िया गेंद खेल रही है हरीश की, चार बॉल हुए, ये बॉलिंग पावर प्ले है, लास्ट के दो बॉल बाकी, और ये अच्छी शॉट थी, और दौड़कर एक रन ले लिया गया, सूजे जो यहाँ फील्डर मौजूद हैं, और बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, कभी भी मिस फील्ड होता ही नहीं उनके हाथ से, फिर से एक बार स्ट्राइक में आए हैं, लास्ट बॉल, कैच हो सकती थी लेकिन फील्डर मौजूद नहीं, चार रन चले गए, चौका, और ये ओवर की समाप्ति, चार ओवर के बाद स्कोर हुआ है 39 दो विकेट के नुकसान पे, चार ओवर के बाद स्कोर हुआ है 39 दो विकेट के नुकसान पे, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मारा रविंद्र ने, सेवा रॉयल्स का 41 रन बनाए थे चार ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए, 41 सेवा रॉयल्स के थे बिना कोई विकेट खोए चार ओवर के बाद, यहां 39 रन बनाए हैं रत्नागिरी राइनोस ने दो विकेट खोकर चार ओवर की समाप्ति पर, काफी कट टू कट मैच जा रहा है लेकिन दो विकेट यहां खो दिए इन्होंने, बेदी जी मैं बताना चाहूंगा कि 36 बॉल्स में 54 रन चाहिए जीतने के लिए, चार ओवर अभी तक हो चुके हैं, जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया उन्हें बताना चाहूंगा 103 का लक्ष्य दिया हुआ है, 103 रन है जीतने के लिए चाहिए, नहीं ओवर लेके आए केदू, केदू ने बहुत ही अच्छी ओवर डाली थी पहले, अपने लास्ट ओवर में केदू ने सिर्फ 3 ही रन दिए थे, बढ़िया स्ट्रोक यहां पे,
बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी रनिंग, दो रन लेने से नहीं चूक सकते। रोशन, बढ़िया कैच है यहां पे, रोशन की विकेट चली गई है यहां पे रत्नागिरी की। रोशन जिन्होंने अभी तक 3 रन बनाए थे, केदू की बहुत ही अच्छी ओवर साबित होती हुई, 3 बॉल हुए हैं अभी तक, 3 बॉल में उन्होंने 2 ही रन दिया है। 4 ओवर 3 बॉल के बाद स्कोर हुआ है 41 तीन विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर 3 बॉल 41 रन और लक्ष्य है 103 रन का। संजीव सर बालू सर आपको आवाज देने के लिए बोल रहे हैं। संजीव सर, रत्नागिरी राइनोस, संजीव सर, बालू सर आवाज दे रहे, बालू सर आ रहे हैं पीछे से, संजीव सर वहां पे रुकने बोला, बालू सर आ रहे। जो भी यहां पे फैमिली मेंबर्स आए उनको बताना चाहूंगा फीमेल्स कि टैटू और मेहंदी का भी प्रबंध किया है यहां पे और वो चालू हो चुका है, और साथ में आप बहुत ही अच्छी कोल्ड ड्रिंक जो सोडा है यहां पे, वैन वहां पे खड़ी है, आप उसका भी स्वाद ले सकते हैं। और यहां पे मिसफील्ड और चौका, थोड़ी सी मिसफील्ड और फोर, अच्छी ओवर जा रही थी अभी तक केदू की। ये मिसफील्ड थोड़ी सी हुई जो हरीश से, उसके वजह से 4 रन का भुगतान मिला रत्नागिरी को। बढ़िया कमबैक यहां पे केदू का, डॉट बॉल डाला है केदू ने, लास्ट बॉल बाकी है ये ओवर का, ये 5वीं ओवर चालू है उसका लास्ट बॉल, और स्ट्राइक पे है आशीष। एक ओवर की समाप्ति केदू की, और इसी के साथ में 5 ओवर शायद कंप्लीट हो गए हैं और 5 ओवर का रन हुए हैं। पांच ओवर के बाद स्कोर हुआ है 45 3 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर 45 रन एट द लॉस ऑफ 3 विकेट। मैं सबको बताना चाहूंगा बैटिंग पावर प्ले अभी तक बाकी है, 2 ओवर का बैटिंग पावर प्ले होता है कॉन्सिक्यूटिव 2 ओवर का, अभी तक बैटिंग पावर प्ले नहीं आया है, रत्नागिरी राइनोज ने बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सेवा रॉयल्स का 51 रन हुए थे 1 विकेट खोके 5 ओवर की समाप्ति पर, यहां 45 रन हुए हैं 3 विकेट खोकर 5 ओवर की समाप्ति पर। रत्नागिरी रॉयल्स का मैच काफी कट टू कट जा रहा है और बहुत ही रोमांचिक मैच होने जा रहा है ये। 30 बॉल में 58 रन चाहिए जीतने के लिए, और अगली ओवर लेके आए हैं सुजय कप्तान। वो चूक गए, बहुत ही बढ़िया बॉल थी सुजय की और बल्ला हवा में घुमा दिया, और शायद आपस में रविंदर और आशीष कुछ गुफ्तगू करते हुए
कि हमें थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा और ये मैच हमारे हमारे ही खाते में आना चाहिए, ऐसा करके कुछ वो उन्होंने कानों में उनको कहा जो बेदी सर को यहां सुनाई दिया। बिल्कुल। और ये बढ़िया शॉट थी और शायद यह गुब्बारे भी बढ़िया चौका चौका बढ़िया बाउंड्री लाइन सजाई है, बढ़िया बोर्ड्स हुई, बोर्ड को रिस्पेक्ट करते हुए बॉल वहां पे हिट होते हुए बाउंड्री लाइन पे और ये रविंद्र के बल्ले से निकलता हुआ चौका। ये सिक्स ओवर चालू है, फुल टॉस बॉल, अच्छा कन्वर्ट किया है, घनश्याम शानदार चौका और फोर, बढ़िया स्ट्रोक, घनश्याम की पूरी ट्राई थी वहां पे चौका रोकने की लेकिन नहीं रोक पाए। बहुत ही बढ़िया, उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ मारा, फील्डर मौजूद थे लेकिन ऊपर से जाकर काफी शानदार अच्छा चौका लगा। ये चौके के साथ स्कोर हुआ है 53, तीन विकेट के नुकसान पे, तीन बॉल हुए है, पांच ओवर तीन बॉल 53 रन्स। और ये फिर से एक बढ़िया शॉट, बढ़िया और शायद कोई फील्डर मौजूद नहीं है, एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ, बहुत बढ़िया शानदार चौका लगा रविंद्र ने, तीन चौके मारे बढ़िया। मैं बताऊं अटकर जी, उन्होंने काफी देखा फील्डर को यहां वहां और अच्छा प्लेस कर दिया जहां फील्डर मौजूद नहीं थे और बहुत ही अच्छा देख के उन्होंने शानदार चौका लगाया। पूजे की ये बॉलिंग काफी महंगी साबित होते हुए सेवर ऑयल्स को बहुत ही रन दे दिए उन्होंने सुजय ने। भाई ये बहुत ही यहां पे बढ़िया थ्रो वहां पे अपील हुई थी लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है। ये एक रन जोड़ने के बाद स्कोर हुआ है 58, लास्ट बॉल बाकी है सुजय कप्तान का, लास्ट बॉल और स्ट्राइक पे आए हैं आशीष। और ये चूक गए आशीष, बहुत ही अच्छी फुल टॉस बॉल कन्वर्ट करने के लिए जा रहे थे लेकिन डॉट बॉल हुआ, ओवर खत्म। छह ओवर के बाद स्कोर हुआ है 58, तीन विकेट के नुकसान पे। मैं दोनों टीम को बताना चाहूंगा, बैटिंग पावर प्ले अभी तक इंटैक्ट, बॉलिंग पावर प्ले हो चुका है, बैटिंग पावर प्ले अभी तक इंटैक्ट। छह ओवर के बाद हटकर जी सेवा रॉयल्स का था 53, दो विकेट खोकर छह विकेट की समाप्ति पर सेवा रॉयल्स का। यहां रत्नागिरी राइनोस का हुआ है 58, तीन विकेट खोकर छह ओवर की समाप्ति पर। काफी मैच जो है कश्मकश है मैच में, एकदम कंपटीशन है, कट टू कट जा रहा है, देखना ये आगे जाके होता है क्या। बढ़िया सर, सर अभी 24 बॉल में 45 रन्स चाहिए जीतने के लिए, 24 बॉल्स 45 रन्स टू विन। और स्ट्राइक पे है रविंद्र और नॉन स्ट्राइक एंड पे है आशीष। और अगली गेंद कौन आए हैं, गेंद हरीश बॉलिंग डालने आए, हरीश, हरीश की ये सेकेंड ओवर। हरीश ने जो ओवर डाली थी उसमें सिर्फ 6 रन दिए थे, बहुत अच्छी ओवर डाली थी। लास्ट ओवर जो सेवा रॉयल्स की डाली थी सुजय ने, वहां पे 13 रन गए थे पहली बॉल डालते हुए हरीश। वाइट का इशारा यहां पे अंपायर का, हर एक एक्स्ट्रा वेलकम करेंगे रत्नागिरी राइनोस। ओ ये चूक गए सुजय और ये निकल गया चौका। इसी के ऊपर मैं एक रत्नागिरी राइनोस के लिए छोटा सा एक शेर कहना चाहूंगा, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में,
इसलिए सफर जारी है। और ये फिर से एक बार जबरदस्त स्ट्रोक और दौड़कर शायद दो रन ले लिए गए। काफी फुर्तीले रत्नागिरी रॉयनर्स के प्लेयर्स हैं, कभी चूकते नहीं है रन लेने के, दौड़ के रन ले लेते, चुरा लेते। कुछ आवाजें ये तूतनी की बहुत ही अच्छी है, सुरीली है, कुछ बेसुरीली है। ये रोने की आवाज भी तूतनी से निकल रही है शायद। शायद उसकी वो निप खराब हो गई है लगता है। और ये अच्छा शॉट हवा में, इशारा यहाँ पे अंपायर का, नो बॉल का इशारा, और भाग के एक रन निकाला है और एक रन चुराने की कोशिश। ओहो, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यहाँ पे दो रन भाग के निकाले और नो बॉल भी है। सूजे कैप्टन बहुत परेशान होते हुए मिस फील्डिंग से वो बोल रहे हैं भैया ख्याल रखो। फ्री हिट, ये धुंद 68 स्कोर हुआ है तीन विकेट के नुकसान पे 68, और फ्री हिट अभी तक सिर्फ दो बॉल हुए हैं ये ओवर के, छह ओवर दो बॉल 68 रन और फ्री हिट। देखते क्या करते हैं रविंद्र, तूतनी कंट्रोल करें। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त विकेट कीपिंग, बढ़िया शानदार। फ्री हिट का कुछ लाभ नहीं ले पाए रविंद्र, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, बहुत अच्छा कमबैक वहां पे हरीश का। बढ़िया स्ट्रोक गैप में दूसरे रन के लिए भागते हुए और ये दो रन दौड़कर ले लिए। बढ़िया रन, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब, फुर्तीले फुर्तीले बल्लेबाज हैं दोनों। ये दो रन के साथ 70 रन पूरे हुए। ओ, बहुत ही अच्छा प्लेस किया और दौड़कर एक रन लिया, फिर से एक बार दूसरा रन चुरा लिया दौड़कर इस वक्त, और तीसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। चलो भाई वन रन शॉट, एक रन शॉट नोटेड, एक ही रन मिलेगा, एक रन शॉट है। वाइड का इशारा अंपायर का, लास्ट बॉल बाकी है हरीश का, लास्ट बॉल। बढ़िया शॉट और यहां फील्डर मौजूद और थोड़ी सी मिसफील्ड और दौड़कर ये दो रन लिए और ये आउट, रन आउट हो सकता था लेकिन नहीं, पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे रत्नागिरी राइनोस की। ये दो रन के साथ स्कोर हुआ है 74 तीन विकेट के नुकसान पे, सात ओवर के बाद स्कोर हुआ है 74 तीन विकेट के नुकसान पे। मैं बताना चाहूंगा जब भी सेवर ऑयल थे उन्होंने 73 रन बनाए थे छह विकेट खोकर, 56 रन बनाए थे पांच विकेट खोकर सात ओवर की समाप्ति पर। सर, मैं बताना चाहूंगा बैटिंग पावर प्ले अभी तक बाकी है और अभी जो रन चाहिए 29 रन चाहिए जीतने के लिए, तीन ओवर का खेल बाकी है, 18 बॉल में 29 रन। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। 56 सेवर ऑयल्स ने बनाए थे पांच विकेट खोकर सात ओवर की समाप्ति पर, यहां 74 रन बनाए हैं तीन विकेट खोकर सात ओवर की समाप्ति पर। काफी रत्नागिरी राइनोस आगे है सेवर ऑयल्स से और काफी कश्मकश है इस मैच में। अंपायर का यहां पे इशारा बैटिंग पावर प्ले का, ये दो ओवर कंटिन्यू बैटिंग पावर प्ले रहेगा, दो ओवर कंटिन्यू बैटिंग पावर प्ले रहेगा। हेलो, पवन नए गेंदबाज आए हैं, अपना फील्डिंग अरेंजमेंट खुद लगाते हुए इधर वहां लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करते हुए, चेंजेस करते हुए, परिवर्तन करते हुए, क्योंकि काफी रन तेजी से बन रहे हैं
और थोड़ा सा घबराहट ज्यादा सेवा रॉयल्स को हो रही है इस वक्त, और रत्नागिरी रॉयल्स काफी कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं। डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग, हर एक बॉल इंपॉर्टेंट है। ये पार प्ले का ओवर है, 17 बॉल में 29 रन चाहिए, अभी तक स्कोर हुआ है 74। रविंदर स्ट्राइक में, नॉन स्ट्राइक एंड में है आशीष। अगली गेंद फेंकेंगे पवन, अच्छी शॉट थी और ये शायद सूजे दौड़कर एक चौका, बढ़िया चीयर गर्ल्स, शानदार चौका। अच्छा इधर उधर भी है क्या? बढ़िया बॉल यहां पे, डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल जरूरी है सेवा रॉयल्स के लिए, पर अच्छा कमबैक चौके के बाद डॉट बॉल, बढ़िया बैटिंग, बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया क्रिकेट, सभी कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है हटकर जी। और ये बढ़िया बॉलिंग थी और अच्छी विकेट कीपिंग, शायद ये खुद खुशी थी, खुद खुशी लिटरली, खुदकुशी। ऐसे रन आउट को बस 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 ऐसे रन आउट को हमेशा हटकर जी खुदकुशी कहते हैं, और मैं कहता हूं खुदकुशी क्राइम है, टू डू सुसाइड इज ए क्राइम एज पर लीगल ओपिनियन। अरे यार ये बहुत बेसुरुली तूतनी है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए। चार बॉल हुए अभी तक, दो बॉल बाकी ये ओवर के। मैं बल्लेबाज राकेश जाऊंगा, खेलते वक्त थोड़ा म्यूजिक के जो भी है स्पेक्टेटर हैं मत करिए, उसके बाद और बॉल फेंकने के बाद में प्लीज करिए। और एक डॉट बॉल, प्रेशर आते हुए रत्नागिरी राइनोस पे, डॉट बॉल प्रेशर लाएगा जरूर, बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया कमबैक यहां पे पवन का, रंग लाएगा जरूर, प्रेशर भी लाएगा रंग भी लाएगा। हमारे हटकर जी क्या बात है भाई, बैटरी डाउन होते हुए थोड़ा सा चार्जिंग में आ जाए। और ये बढ़िया, चलो चलो आपको मौका दे दिया साहब, आपने शायद हिंदी कमेंट्री कभी देखी नहीं लगता, फिर इसका मतलब गली की तरफ। 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 79 चार विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 79 चार विकेट के नुकसान पे, और लक्ष्य है 103 रन का, तो अभी चाहिए रन 24, 12 बॉल में 24 रन, 12 बॉल 24 रन चाहिए, और बैटिंग पावर प्ले ये होगा वापस एक ओवर, जो 9th ओवर है ये बैटिंग पावर प्ले की है, और स्ट्राइक पे है रविंद्र और राकेश, देखते हैं ये पावर प्ले की ओवर कौन लेके आता है। 8 ओवर के बाद सेवर रॉयल्स का स्कोर था 73 छह विकेट के नुकसान पर, अब रत्नागिरी राइनोस है 8 ओवर खत्म समाप्ति पर 79 रन बनाए हैं, काफी टक्कर की मैच हो रही है, ये काफी नेक टू नेक मैच जा रही है। ये पावर प्ले है, अभिषेक आए हैं ओवर लेके, और स्ट्राइक पे है राकेश, बढ़िया शॉट और ये शानदार सिक्सर।
ये बहुत ही जोरदार यहां से गैसेस लीक हुई और ये अभिषेक को शेक कर दिया बल्लेबाज ने। शानदार छक्का लगाया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बैटिंग का। पहली ही बॉल पे सिक्स, अपने इरादे पूरी तरह क्लियर करते हुए रोशन, अपना नाम करते हुए रोशन। बालू जी का स्वागत है कमेंटेटर बॉक्स में, अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके आए। बढ़िया कमबैक यहां पे अभिषेक का, डॉट बॉल डाला है, बढ़िया कमबैक। आगे आके फुल टॉस कन्वर्ट करते हुए और एक रन चुराना चाह रहे हैं। बढ़िया रनिंग यहां पे रविंद्र की और राकेश की। जब से आए हैं रविंद्र वन को दो में कन्वर्ट कर रहे हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पे रविंद्र की। तीन बॉल हो चुके हैं अभी तक, लास्ट के तीन बॉल बाकी अभिषेक के। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी और बढ़िया डॉट बॉल बैट्समैन, अच्छी बॉलिंग यहां पे अभिषेक की। चार बॉल हो चुके हैं ये ओवर के, लास्ट के दो बॉल बाकी। आठ बॉल में 16 रन चाहिए, आठ बॉल 16 रन। सामना करेंगे राकेश। और ये बढ़िया स्ट्रोक, शायद फील्डर मौजूद नहीं था। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, एक रन दिया और दूसरा रन चुरा लिया आउट और ये रन आउट कर दिया रविंद्र। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पे पवन की और रन आउट हुए रविंद्र। रविंद्र जो सेट बैट्समैन थे, पहले आए हुए बल्लेबाज थे स्ट्राइक पे, जिन्होंने 20 बॉल में 33 रन बनाए और 5 चौके लगाए। 20 बॉल में 33 रन और 5 चौके। लास्ट बॉल, ये बैटिंग पावर प्ले चालू है, लास्ट बॉल बाकी है बैटिंग पावर प्ले का। लास्ट बॉल, 7 बॉल में 15 रन चाहिए, 7 बॉल 15 रन। ए, बढ़िया शॉट थी और थोड़ी सी मिस फील्ड, शायद दौड़कर एक ही रन मिलेगा, मिल गया बल्कि। और ये काफी कश्मकश, 14 रन चाहिए 6 बॉलों में, अभी 6 बॉलों में 14 रन। मैं जैसा अटकर बताया करता हूं, 9 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 89 5 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर 89 5 विकेट के नुकसान पे, लास्ट ओवर ऑफ दिस मैच और रन चाहिए 103 का टारगेट है, रन चाहिए 14, 6 बॉल में 14 रन जीतने के लिए। कश्मकश में आई है मैच, दिल थाम कर बैठिए, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा यहां, 6 गेंदों में 14 रन। फील्डिंग अरेंजमेंट काफी टाइट किया जा रहा है और दोनों बल्लेबाज तैनात रत्नागिरी राइनोस के। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और यहां 6 गेंदों में 14 रन चाहिए, जो कि एक एक गेंद काफी कीमती रखे होगा इस आखिरी ओवर का। घनश्याम आए अपना आखिरी ओवर फेंकने के लिए इस मैच, इस इनिंग का, और अपना फील्डिंग अरेंजमेंट लगाते हुए घनश्याम। पलड़ा कहीं भी झुक सकता है,
सेवा रॉयल की गोदी में जा सकता है या रत्नागिरी रॉयल्स की गोदी में आ सकता है। 6 गेंदों में 14 रन काफी कष्टमष्ट। और ये अब डॉट 5 गेंदों में 14 रन, 5 बॉल में 14 रन चाहिए। हर एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है दोनों टीम को। लोगों के दिल के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। भाई यहां सट्टा बाजार चालू हो चुका है। हर एक डॉट बॉल को सेवा रॉयल्स के दर्शक चेयर करते हुए। और ये बढ़िया स्ट्रोक शॉट है और शायद छूट गया बाउंड्री लाइन की तरफ, छूट गया कैच और दौड़कर शायद 2 रन ले लिए गए। इसीलिए शायद उन्होंने घनश्याम को बचा के रखा था कि आखिरी ओवर में घनश्याम को लेके आएंगे। बहुत ही 3 बॉल में 12 रन चाहिए, 4 चौके लगे तो कुछ हो सकता है। 3 बॉल में 4 चौके कैसे लगेंगे। और ये अच्छा शॉट था लेकिन बाउंड्री लाइन ले लो चौका, फील्डर के ऊपर से चौका। 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। लाख चाहे इंसान तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। सर 2 बॉल में 8 रन चाहिए। बिल्कुल सही आंकड़े बताए हटकर जी ने, 8 रन चाहिए 2 गेंदों में और घनश्याम की काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग साबित होते हुए। डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग वहां पे घनश्याम की, बढ़िया बॉल वहां पे घनश्याम का। शायद मैच जीत की तरफ जाते हुए सेवा रॉयल की झोली में मैच चला गया है। अभी तो कोई करिश्मा हो तो शायद हो, या वाइड बॉल मिले तो शायद कुछ हो। और ये फिर से एक बार जीत लिया और ये जीत सेवा रॉयल्स की, बहुत ही शानदार, बढ़िया बढ़िया जीत, बहुत ही ताकतवर जी। और इसी के साथ सेवा रॉयल्स फाइनल में पहुंच चुके हैं, बढ़िया विन। पिच पिच के बाहर आ जाए, हंपायर उनको पिच के बाहर निकालिए, पिच से बाहर। जल्दी अगला मैच शुरू किया जाए। बहुत ही शानदार जीत सेवा रॉयल की, एक जोरदार तालियां दर्शकों को सेवा रॉयल के लिए। बहुत ही जबरदस्त कश्मकश रही इस मैच में लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने मैच जीत लिया और सूजे बंगड़ा डालते हुए। सूजे चीयर्स फ्रॉम कमेंटेटर बॉक्स। बढ़िया जीत यहां पे, बहुत ही अच्छी ओवर लास्ट वाली डाली है घनश्याम ने। सेवा रॉयल की जीत के लिए गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। बाफला परिवार के छोटे छोटे बच्चे मौजूद और बालू बाफला जी साथ में आदित्य बाफला जी बैलून छोड़ते हुए। शानदार शो है यहाँ। आई रिक्वेस्ट इट शुड बी कवर्ड। और ये संजीव बाफला जी का ग्रैंडसन और बालू बाफला जी के ग्रैंड डॉटर्स, दोनों ग्रैंड डॉटर मौजूद। और यहां पे रूपेश जी खुशखबरी लाते हुए डीजे चालू करने के लिए। छोड़े गुब्बारे बाफला परिवार में, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन वो संजीव बाफला जी के ग्रैंडसन गुब्बारे छोड़ते ही नहीं जाते।
बढ़िया, शफीक साहब को बहुत बहुत मुबारक कमेंटेटर बॉक्स की तरफ से, और बहुत ही शानदार बल्लेबाज शफीक बॉल।